लीजिए दोस्तों नमस्कार, मैं लेके आया हूँ आज 19 अगस्त 2018 का LDC का फर्स्ट पेपर GK साइंस और मैथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं, पूरी आंसर की के साथ मैं शुरू करूँगा इसको और पूरे हर एक क्वेश्चन का आपको ऑथेंटिक आंसर दूंगा। साथ ही मैं आपको इस पेपर और इसके आंसर की जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर से ली है का दोनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही कुछ देर में मैं अभी सेकंड पेपर को भी लेकर आऊँगा और उसके पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 28.26 मीटर स्क्वायर तथा इसको ऊंचाई 4 मीटर है, तो इसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान हमने 3.14 लीजिए लेना है, 22 नहीं लेना है। तो यह आप इसका आंसर होगा आपके यहाँ पर आंसर डी 47.10 मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर दो, दूसरे प्रश्न में लिखा गया है दोस्तों, एक घनाकार टैंक जो कि 2 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा है, उसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 15,000 लीटर डी। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 10% तथा 30% की दो क्रमागत छूट की एकल छूट के बराबर होती है, 10% और 30% क्रमागत छूट दी जाती है, तो यह 37% यानी डी के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर में 24,000 का 8.5 वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज होगा, तो यह ब्याज होगा दोस्तों आपके 1,360 रुपये। सी आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पाँच में राइट किया गया है कि सुरेश और महेश ने क्रमशः 115,000 तथा 185,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया, 18,000 रुपये के कुल लाभ में महेश का अंश कितना होगा, तो महेश का लाभ का अंश होगा इसमें पाँचवें प्रश्न में 11,100 रुपये डी ऑप्शन। अगला प्रश्न चलिए छठा नंबर, एक आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल होगा 60 मीटर स्क्वायर। सातवां प्रश्न, बिंदुओं 3 और 6 तथा 0 0 के मध्य दूरी कितनी होगी, तो यह दूरी होगी सी ऑप्शन 3√5। और आठवां प्रश्न, 2 आसन्न संपूर्ण कोणों के अर्ध के मध्य कोण होता है, तो 2 समकोण होता है, 2 एक आसन्न संपूरक कोण और एक अर्धक कोण, तो उनके मध्य का कोण है वो डी ऑप्शन समकोण रहेगा। प्रश्न नंबर नौ में लिखा है, 2 भुजाओं कोण ABC तथा कोण ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB/QR बराबर BC/PR बराबर CA/PQ, तब निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो इसमें सत्य होगा बी ऑप्शन, त्रिभुज PQR समलंब है त्रिभुज CAB के। दसवां प्रश्न में ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर आएगा कोण BCD, जो BCD पूछा गया है BC और डी जो बड़ा 35% के ऊपर वाला है, तो 35 ये आ गया दोस्तों और ऊपर वाला रहेगा और इसका ऑप्शन आएगा अपने ए 80 डिग्री। 11वें प्रश्न का आंसर होगा 383 सेमी स्क्वायर। प्रश्न 12, वृत्ताकार फूलों का बगीचा चारों तरफ से 4 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, तो फूलों के बगीचे का व्यास 68 मीटर हो, तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा, पथ का क्षेत्रफल होगा 288 पाई वर्ग मीटर। 13वें प्रश्न में आपके डी ऑप्शन सही होगा। 14वें प्रश्न में ए ऑप्शन 4/3 सेमी। 15वें प्रश्न में दोस्तों लिखा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा, तो इसका अंकित करना होगा 15वें ऑप्शन में 40% डी। 16वां प्रश्न,
प्रश्न नंबर 16, सरल ब्याज में किसी ब्याज में किसी धन में 8 वर्ष में 80% हो जाती है, तो 14,000 का 3 वर्ष के बाद समान 3 वर्ष बाद समान प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज से दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों 4634, यानी कि ऑप्शन ए 17वां प्रश्न बिंदु तीन चार के रेखा वाई बराबर -1 में प्रतिबिंब के निर्देशांक है, तो इसमें होगा 3 -6, यानी कि सी ऑप्शन। 18वें में इसका आंसर होगा 6.5, ए ऑप्शन। 19वें प्रश्न में ए बी तथा सी के अनुपात है 105:40:36 है, तो साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया है 6 माह बाद बी की 20% हिस्सेदारी और जोड़ता है और 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,85,000 हो जाता है, तो लाभ सी का हिस्सा होगा 36,000 रुपये, बी ऑप्शन। 20वां प्रश्न है, इसमें आपके होगा ए ऑप्शन और 21वें होगा बी ऑप्शन, और इसी तरह से 22वें में होगा आपके डी ऑप्शन 16.5। प्रश्न नंबर 23 में ए ऑप्शन सही आएगा, 24वें में आएगा आपके 60 डिग्री, इसी तरह से 25वें में आपके आएगा सी ऑप्शन 5.59 रेडियन। दोस्तों मैं आपको देख लीजिए ऐसे मैथ के जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और इसी तरह से आगे जीके के और मैं आपको साइंस की भी बता दूंगा और साथ में इसकी आंसर की भी डाल दूंगा आपको। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं हम 25वें प्रश्न के बाद 26वें प्रश्न में इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। 27वें प्रश्न में आपके बी ऑप्शन सही रहेगा 115। 28वें प्रश्न में ए 8.6। 29वें 29वें प्रश्न में आपके आंसर आएगा डी, और इसी तरह से 30वें में ए 31वें में डी 32वें में डी 33वें प्रश्न में जो लिखा गया है एन मानों के समुच्चय उसके विचलनों का बीजगणितीय योग होगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपके बी ऑप्शन होगा इसमें 0। इसी प्रकार से 34वें प्रश्न में ए 35वें में सी 36वें में डी 37वें में सी 38वें में ए 39वें में ए 40वें में डी और 41वें में सी 42वें में ए 43वें में डी 44वें डी 45वें डी और 46वें सी 47वें सी 48वें ए और 49वें ए और 50वें बी। 51वां प्रश्न देखिए दोस्तों जीके का है, मैं आपको बता दें राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक गंगानगर अलवर और भरतपुर है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता है दोस्तों ए ऑप्शन 80,000 मीट्रिक टन से भी अधिक है। 53वें प्रश्न में अपनी योजना और अपना विकास ये अपने ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए निर्माण प्रभावी कार्यक्रम के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका के रूप में लॉन्च किया गया था। साथ ही दोस्तों 54वें प्रश्न में आपको बता दें इसका ऑप्शन होगा राजस्थान 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बी ऑप्शन सही है 7.182। इसी तरह से अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई, तो यह आरंभ की गई थी 1992-93 में राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? तो इसमें दी जाती है आपको 50,000 रुपये। मध्य प्रदेश में राजस्थान में संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो ये परियोजना है आपकी चंबल। 58वां प्रश्न है आपके भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय यह मूल्यांकन अवधि 13-15 के राज्य वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इस अवधि के दौरान राजस्थान के वनों में जो वृद्धि हुई थी वो 85 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। 59वें प्रश्न में राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता को मल्टी ब्रांड गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुओं की
उपलब्धता करवाई जाती है। तो इसमें करवाई जाती है अन्नपूर्णा भंडार योजना के द्वारा। उसका आठवां प्रश्न है, उसमें 16-15-16 राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन, वित्त पोषण पैटर्न, केंद्रीय एवं राज्यांश का अनुपात था 50-50। 61वें प्रश्न में चलते हैं, ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अपने सभी जिलों में है, चित्तौड़गढ़ में भी है और जोधपुर में भी है, उदयपुर में, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है वहाँ वहाँ इसकी कटाई और पॉलिशिंग की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से 62वें, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में है। तो ये क्षेत्र है अपने अलवर में। 63वां प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना के साथ स्वामित्व है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सॉरी 63वें में बी माही परियोजना है। और 64वें प्रश्न में इसका ऑप्शन सही होगा सी, चमड़ा उद्योग है, जिसमें राजस्थान में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है चमड़े को सुखाने के लिए और इसको पॉलिशिंग के लिए। 65वें प्रश्न में, राजस्थान में ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है राजस्थान में तापीय शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से राजवल्लभ कुंभा का नहीं है। संगीत मीमांसा, संगीतराज और रसिक प्रिय है, वो सारे इसके कुंभा के ही हैं, राव कुंभा के हैं। 67वां प्रश्न है आपके, जिसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व, भील आंदोलन का नेतृत्व, तो 67वें प्रश्न में ऑप्शन ए सही है, स्वामी गोविंद गिरी। पर्युषण पर्व है वो इसके जैन धर्म में मनाया जाता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। तो बाणगंगा का मेला आप सबको मालूम होगा जयपुर ज़िले में लगता है। उससे अगले प्रश्न में जालौर के शासक कानड़दे प्रबंध से जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसमें से बहुत महिलाओं के द्वारा, सिर्फ महिलाओं के द्वारा, इनमें पुरुष भी शामिल होते हैं चरी, तो उनमें से सिर्फ कई ऐसे नृत्य जो चंग नृत्य है, तो ये केवल पुरुषों का है। उसी तरह से चरी नृत्य जो है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गेय नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ किया जाता है। कच्ची घोड़ी हो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 72वें प्रश्न में ऑप्शन बी सही है, हाड़ौती सेवा संघ है वो नैनूराम शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। 73वां प्रश्न है, जिसमें के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम रखा था। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक का वो जाम्बू जी है, सबको ही मालूम है। 75वें प्रश्न में, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो ये में होगा मल्लीनाथ जी। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकलन प्रथम क्रम पर आता है। तो इसमें जयपुर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न 77वां, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सेवन घास बहुत ही लाभकारी है। 78वें प्रश्न में, गग्गर का दुआवाड़ा जो राजस्थान मनगढ़ गंगानगर जिले में पाया जाता है, कौन सी नदियों के निक्षेपण से बना। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें ये ऑप्शन गग्गर और सतलज नदी है, उसके द्वारा बना है। 79 नंबर प्रश्न है, उसमें समूह जो सम्मिलित होगा वो बी होगा, खेतड़ी, सिंगाना और तांबा। 80 नंबर प्रश्न में है, 33% वन नीति के अनुसार होना चाहिए परंतु है नहीं। निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित साक्षरता सर्वाधिक की गई है राज्यों का। 81 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए सही है। 82 नंबर प्रश्न में, सुमेलित करना वर्तमान और प्राचीन नामों के साथ। तो इसमें ऑप्शन भरतपुर का विराट नाम है वो सही है, उदयपुर का सीवी, गंगानगर का अयोध्या और जालौर का स्वर्णगिरी नहीं है। 83 नंबर प्रश्न, राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य है तो वह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। 84 नंबर प्रश्न सही क्रम है वो बी में है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर है। 85 नंबर प्रश्न, राजस्थान में
राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है हाड़ौती पठार होगा। 86 नंबर प्रश्न में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का आरंभ निम्न में से किस वर्ष में किया गया, तो इसमें ए ऑप्शन 2017 में किया गया है। 87 नंबर प्रश्न में डी जयपुर सहयोग हेरिटेज 2017 का आयोजन वहीं पर किया गया था। 88 नंबर प्रश्न में भी ऑप्शन डी नेपाल में किया गया सूर्य किरण भारत के साथ युद्ध अभ्यास। 89 नंबर प्रश्न में ऑप्शन सी माधवेंद्र प्लेस सही होगा, स्कल्पचर पार्क उसी पैलेस में बनाया गया है। तो दीपक चाहर का नाम संबंध किस खेल से संबंधित है, दीपक चाहर है वो अपने क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। पोलावरम डैम निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में है, तो यह भारतीय राज्य में देख लो इसमें है सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में है। 92 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। तृतीय मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान तृतीय चरण में किया गया था। 93 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन वज्जू भाई याड़ा वाड़ा सही है, जिसने 2018 चुनाव के दौरान राज्यपाल थे ये। 94 नंबर प्रश्न में ऑप्शन बी सही है, 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 95 नंबर प्रश्न में बी सही आएगा, जिसमें एथेनॉल से जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति संबंध रसायन से है। 96 नंबर प्रश्न में आपके बी ऑप्शन सही आएगा, जिसमें ओडिशा है, चंद्रभागा समुद्र तट वहीं पर है। 97 नंबर प्रश्न में दलवीर भंडारी की पुस्तक है, दलवीर भंडारी जो ये रहे थे अपने रक्षा सेना के प्रमुख। 98 नंबर प्रश्न में ए 98 नंबर प्रश्न में ए ऑप्शन सही रहेगा बांसवाड़ा। और 99 नंबर प्रश्न में ऑपरेशन सुवर्ण है वो रेलवे का है। और 100 नंबर प्रश्न उमर फारूक मेवाती संबंध है उनका संगीत से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि अगले प्रश्न 101 नंबर प्रश्न है, उसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। और 2 नंबर में 102 में ए रासायनिक परिवर्तन होता है जिसकी वजह से ये सेब काटने से सेब और केला है अमरूद है ये चीज़ें काटने के बाद खराब हो जाती है, इनका रंग भूरा हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। 3 नंबर प्रश्न में डी आएगा। 4 नंबर प्रश्न में बी आएगा। 5 नंबर प्रश्न में जल का गैसीय मिश्रण है वो ए है, CO व H2 है। 6 नंबर प्रश्न में डी। 7वें प्रश्न में डी। 8वें प्रश्न में ए। 9वें प्रश्न में डी। और 10वें प्रश्न में ए। 11वें प्रश्न में ए। 12वें में डी। 13वें में बी। 14वें में सी। 14वें में सी है। PSLV रॉकेट जो इस्तेमाल करते हैं उनमें ठोस और द्वितरल प्रेरक दोनों तरह के उपकरणों तक इस्तेमाल किए जाते हैं। 15वें में ए। 16वें में सी। 17वें में डी। 18वें में ए। 19वें में डी। 20वें में बी। 21वें में डी। 22वें में ए। 23वें में बी। 24वें में डी। 25वें में ए। और 26वें में बी ऑप्शन सही है। 27वें में डी। 28वें में ए। 29वें में बी। 30वें में बी। 31वें प्रश्न में सी। 32वें में डी। डी 32वें में डी आएगा सही है। 33वें में डी। 34वें में ए। 35वें में बी। 36वें प्रश्न में सी बी 36वें प्रश्न में बी। 37वें में सी। 38वें में ए। 39वें में डी। 40वें में सी। 41वें में डी। 42वें में डी। 43वें में बी। 44वें में बी। 45वें में बी। एक बार ये कंप्यूटर वाले प्रश्न फिर से देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित तो कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने 44वें नंबर प्रश्न में है। बी डिवाइस ड्राइवर है, वो एक सिस्टम है। टेक्स्ट संपादक स्प्रेडशीट और टेली है सिस्टम की नहीं, इनको हम हटाकर वापस भी लगा सकते हैं। सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को हम हटाएंगे तो ये काम नहीं करना बंद हो जाएगा, कंप्यूटर का वर्क करना इस पर डिपेंड करता है। 45वें प्रश्न में बी। 46वें में डी। 47वें में
बी 47वें में बी विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत का सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता है। भारत की एक में किसी सेवा के बारे में, भारतीय एपिक ब्राउजर के बारे में पिछली बार पूछा गया था जिसमें एपिक ब्राउजर था। 48वें प्रश्न में ई और 49वें में ए और 50वें में बी अंतरिक्ष होगा। तो लीजिए दोस्तों, ये था इस एग्जाम का सलूशन जो आपने अभी अभी देखा है, और इसके आंसर की मैं आपको लिंक में दे दूँगा। तो दोस्तों, मेरी थोड़ी सी ये मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।